Kanpur's hospital went into chaos when a patient accused the ward boy of molestation. In a matter of minutes, the chaos grew so loud after a while that the crowd started pelting stones and crashing things. The cops came and took the accused after calming down the mob. The matter is under investigation. Shivangi went to attend a wedding. However, she fell sick late night, after which she was admitted to the Jagriti Hospital. In the morning, Shivangi told her family that late night a ward boy Yusuf Khan came to her and asked her to change the clothes. However, despite Shivangi's repeated request of a family member or a nurse for assistance in changing clothes, Yusuf kept on insisting, doing it himself, and on the protest, he sedated Shivani, and when she got up, she was wearing another dress. My big chacha was taking me to the hospital. यहाँ पे मेरे एडमिट करने के बाद कपड़े चेंज हो रहे थे। एक बार कपड़े चेंज हो चुके थे मेरे, दोबारा आए रात में बैठे थे, वो कहते हैं कपड़े चेंज कर लीजिए अपने, आप कपड़े गंदे गीले हो गए हैं। मैंने कहा कोई लेडीज़ को बुला दीजिए, कपड़े चेंज करा देंगे, तो कहते हैं लेडीज़ कोई नहीं है, कहते मैं खुद आपका चेंज करा देता हूँ। मैंने कहा कि रहने दीजिए, वॉशरूम बता दीजिए क्या है, मैं चेंज कर लूँगी। मुझे ले गए वॉशरूम में, वहाँ तक नीचे का चेंज करा दिया मुझे, कहते हैं ऊपर का भी चेंज कर खोल के पूरा। मैंने कहा मैं ऊपर का चेंज कर लूँगी, आप रहने दीजिए। मेरा बटन खोला उन्होंने पहले, मैंने कहा चादर अपने डाल लिया, कहते आप शरमाइए मत मुझसे। उन्होंने कपड़े बनाए, बटन बंक करे मेरे, उसमें इंजेक्शन थी नींद की, मुझे इंजेक्शन लगा दिया। When she told her parents about it, they created a ruckus which led to violent chaos. रात में एक महिला एडमिट हुई थी जीने से गिरने के कारण, उनके परिवार वालों ने एडमिट किया था। आज उनके परिवार वालों का आरोप है कि यहाँ के एक वार्ड बॉय ने उसके साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया, छेड़खानी का प्रयास किया। इस संबंध में यहाँ पे पहले तोड़फोड़ भी अभी की गई है। इस संबंध में अभी तत्काल उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, अभी मौके पर शांति। हाँ, इसमें पूरी कार्रवाई होगी, मुकदमा पंजीकृत करने के बाद मेडिकल कराया जाएगा, उनका बयान न्यायालय में होगा और इसके आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे।